तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने न्यू आर्मी टैंक को ले लिया है। गाइज मैंने इसको कैसे ले लिया, इसका चीट कोड क्या है? तो गाइज आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे गेम में न्यू अपडेट आया था, उसी अपडेट में हमारा आर्मी टैंक आया था, लेकिन गेम के डिलेम्पर ने वो चीट कोड हमको नहीं बताया था, जिसकी वजह से डायल करने पर अपना आर्मी टैंक आ जाता है। तो गाइस कौन सा चीट कोड है जिसकी वजह से आर्मी टैंक आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में अपने आर्मी टैंक को ले सकते हैं। जैसा जैसा मैं करने वाला हूँ वैसा ही आपको भी करना है और आपके गेम में भी आर्मी टैंक आ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप वीडियो के बीच में आर्मी टैंक को मिस कर दोगे। तो मैं आपको आर्मी टैंक का चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट के लिए। और इस वीडियो पर गाइस आप 2K लाइक तो पूरी करवाओ। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे गेम में 1 तारीख को न्यू अपडेट आया था एंड उसके अंदर न्यू फ्यूचर्स एंड चीट कोड आए थे और बहुत अच्छे अच्छे चीट कोड आए थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए थे, और मैंने अपने आर्मी टैंक का चीट कोड नहीं बताया था जिसकी वजह से आर्मी टैंक आ जाता है। रोहित गेमिंग स्टूडियो की तरफ से अपग्रेड आ चुका है जिसकी वजह से डायल करने पर अपने गेम में आर्मी टैंक चला सकते हो। तो गाइस आप लोगों को भी ऐसा एंजॉय करना है जिसकी वजह से हमारा आर्मी टैंक आ जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि और न्यू अपडेट में हमारे कौन कौन से चीट कोड आए थे। जैसे आप 90-90 डायल करते हो तो आपके सामने आ जाती है मॉडिफाई थार, जैसे आप 1000 डायल करते हो तो आपके सामने आ जाती है मॉडिफाई फॉर्च्यूनर, जैसे ही आप 600 डायल करते हो तो आपके सामने आ जाता है मॉडिफाई डॉग। और हमारे टैंक का चीट कोड मैं आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आपको करना है। जो हमारे गेम में न्यू चीट कोड्स आए थे मैंने आप लोगों को बता दिए थे, साथ में ही जोरासिक पार्क और पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में जोरासिक पार्क और पेट्रोल पंप की आपको लोकेशन पता होगी। तो सीधा मैं आर्मी टैंक का चीट कोड आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से आप आर्मी टैंक को स्पॉन कर सकते हो और आप अपने गेम में भी इंजॉय कर सकते हो। जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा आपको भी करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आर्मी लाइव गेम प्ले आर्मी टैंक का चीट कोड। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अपने आर्मी टैंक को ले लिया है। गाइस मैंने कैसे ले लिया, आप कैसे ले सकते हो? तो गाइस आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो इसमें से फायर होने लगता है। साथ में ही मैं बताने वाला हूँ RGB कलर आप कैसे कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके वजह से आप अपने हाउस पर RGB कलर कर सकते हो। मैं आपको अपने हाउस पर RGB कलर करके दिखाने वाला हूँ और मैं इसका चीट कोड भी बताऊंगा जिससे हाउस पर RGB कलर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक चीट कोड डायल करना होता है जिसकी वजह से आप अपने हाउस को RGB कलर में चेंज कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, तो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो गाइस जिसने लाइक नहीं किया है तो वो पहले लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस आप 1-2 दिन से बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि हम डायनासोर के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैं इसके ऊपर बैठकर ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई आप बैठ जाते हो, हम नहीं बैठ पाते। तो गाइस मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, देखो भाई क्या अमेजिंग लग रहा है, देखो ये। तो जैसे ही आप टीरेक्स डायनासोर के पास जाते हो तो आप बता रहे थे हमारे गेम को वर्स्ट हिट कर देता है और हम उसके ऊपर नहीं बैठ पाते और अपने स्मॉल डायनासोर के ऊपर भी नहीं बैठ पाते। तो गाइस हम टीरेक्स डायनासोर पर बैठ सकते हैं। तो गाइस मैंने एक चीट कोड लगाया है जिसकी वजह से हम टीरेक्स डायनासोर पर बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं आगे बताता हूँ कैसे इसके ऊपर बैठना है। मैं आगे इसका चीट कोड भी देने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होती जा रही है, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट में आपको सारी चीज का चीट कोड बता दूंगा। तो गाइस आप वीडियो को बीच में ही एंड कर देते हो तो आप काफी ज्यादा अमेजिंग चीट कोड मिस कर देते हो। तो गाइस मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आपको फायर ट्रक का भी चीट कोड बताने वाला हूँ। तो गाइस आप अपनी गाड़ी पर RGB कलर कर सकते हो। तो गाइस आपको कोई सी भी कार स्पॉन कर लेना है, जैसे ही आप कार के पास जाते हो आपको फोन में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप उस पर चलो कलर्स आ जाते हैं सातों, और RGB कलर पर आप क्लिक कर देना तो आपका RGB कलर हो जाता है कार पर। तो गाइस ये बात मैंने गेम के डिलेम्पर से पूछी थी तो ये वीडियो डिलेम्पर ने भेजा था। उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट अपडेट में हम हाउस पर RGB कलर कर सकते हैं। तो गाइस रोहित भाई ने जो सेंड वीडियो की थी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह से वीडियो में मैसेज किया था उन्होंने, जो आर्मी टैंक और फायर ट्रक का भी चीट कोड बता देता हूँ। जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा आपको करना है। तो गाइस पहले अपना मैं आर्मी टैंक आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी हम डायल करना है 10101, इंडियन टैंक आपके सामने आ जाता है। तो गाइस आपको पहले हम आर्मी टैंक को एंजॉय कर दिखाते हैं। तो गाइस आप इसमें से फायर करते हो तो आप लोगों को पता है कि गेम के डिले पर इसको ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अपडेट में आपको आर्मी टैंक देखने को मिलेगा। तो गाइस पहले इसको एंजॉय कर लेते हैं। तो हमको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जोरासिक पार्क देखने को मिल जाता है, और इस अपडेट में मॉडिफाई थार और मॉडिफाई फॉर्च्यूनर और मॉडिफाई डॉग भी देखने को मिल जाता है। इस वाले अपडेट में तो यही चीज नहीं आई थी, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के डेवलपर आर्मी टैंक को ऐड कर रहे हैं। इस गेम में आपको आर्मी टैंक देखने को मिलेगा। तो साथ में ही आप ये पूछ रहे हो कि न्यू अपडेट किस दिन आने वाला है और अपडेट में क्या क्या नया आने वाला है। तो अभी गेम के डेवलपर आर्मी टैंक को ऐड कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस
गाइस आपको नेक्स्ट अपडेट 1 मंथ के बाद मिलेगा। तो हमारे गेम के डिलेम्पर ने इंडियन बैक ड्राइविंग 3D में वर्क स्टार्ट कर दिया है। ये वाला जो आर्मी टैंक आपको न्यू अपडेट में देखने को मिलेगा, तो आप न्यू अपडेट में एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले इसका चीट कोड मेरे पास आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस आप कमेंट कर रहे थे कि हम अपने टीरेक्स डायनासोर पर कैसे बैठ सकते हैं, तो सबसे पहले 2 चीट कोड आए हैं, एक आर्मी टैंक और दूसरा है फायर ट्रक का चीट कोड आपको बताऊंगा। तो गाइस मैं आपको अभी दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर अपना फायर ट्रक ले लिया है। तो गाइस इसका चीट कोड काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो गाइस न्यू अपडेट में ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस जो अपना आर्मी टैंक है तो गाइस आप फायर टैंक से फायरिंग नहीं कर सकते, उससे आप फायर भी कर सकते हो। मैं इसका चीट कोड आपको बताने वाला हूं, जैसा मैं करता हूं आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। गाइस आप इतने दिन से कमेंट कर रहे थे कि हमारे फायर टैंक का चीट कोड क्या है। तो गाइस ये गेम के डिलेम्पर की तरफ से मुझे एक पिक आई थी, जो गाइस मैंने आपको दिखाया है वो आपको न्यू अपडेट में देखने को मिलेगा। तो कमेंट में फायर माइकल टैंक लिखना है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आप डायनासोर के ऊपर कैसे बैठ सकते हो। तो गाइस जैसे ही हमारे गेम में हॉर्स का चीट कोड आया है, जैसे ही आप न्यू अपडेट में टीरेक्स डायनासोर के ऊपर आप बैठ सकते हो, तो आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं जोरासिक पार्क के अंदर, पास जाकर देखते हैं टीरेक्स डायनासोर अटैक करता है कि नहीं। तो गाइस जो फायर टैंक आ रहा है उससे आप किल कर सकते हो डायनासोर को। तो गाइस आप देख रहे हो कि टीरेक्स मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मुझे फॉलो भी करता जा रहा है, उस पर फायर टैंक से फायरिंग करेंगे। तो गाइस मैं टीरेक्स डायनासोर को बाहर लेके आने वाला, देखते हैं कि वो किल होता है कि नहीं। तो गाइस देखो मैंने फायर कर दिया है, और गाइस इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है यार। तो गाइस चलो इसको सिटी में घुमाते हैं। तो गाइस देखो टीरेक्स डायनासोर मुझको फॉलो कर रहा है, इसको मेगा रैंप की तरफ को ले जाते हैं। तो गाइस हम इसके ऊपर बैठ के देखते हैं कि हम बैठ सकते हैं कि नहीं। तो गाइस मुझे टीरेक्स डायनासोर तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो गाइस इसके ऊपर हम फायर करके देखते हैं कि टीरेक्स फॉलो मुझे करेगा कि नहीं। तो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। तो आप उसमें बिग एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हो गाइस, जो न्यू अपडेट आने वाला है। चलो गाइस इसको ट्राई कर देखते हैं, ये ऑप्शन बहुत जल्द आने वाला है। तो गाइस अब हम बिग एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हैं। रोहित भाई ने अनाउंसमेंट कर दिया है, ये आपको जल्द देखने को मिलेगा। अभी तो हमारे गेम में स्मॉल एरोप्लेन ही उड़ता है, बिग एरोप्लेन भी बहुत जल्दी उड़ने वाला है और आप इसको ड्राइव कर सकते हो। अरे माइकल भैया ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस अभी ये ऑप्शन आया नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है। जो गाइस नेक्स्ट मंथ में जो अपडेट आ रहा है उसी में आने वाला है, फिर आप बिग एरोप्लेन को उड़ा सकते हो। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।